संता के कार्य आप करो, हर काम कराओ आप। आज हमारे प्यारे गुरु महाराज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश दिवस है। सबसे पहले मैं आप सभी को इस पावन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। संगत जी, जिनको नहीं पता कि प्रकाश दिवस का क्या मतलब होता है, उनको मैं थोड़ा सा बता दूं कि यह दिन क्यों मनाया जाता है। संगत जी, इस दिन पहली बार श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को तैयार करके पढ़ा गया था, उस दिन को कहते हैं पहला प्रकाश दिवस, यानी इस दिन पहली बार गुरु साहिब का प्रकाश किया गया। और इसके साथ ही इस दिन ही सिख पंथ में एक नया पद भी शामिल हुआ, जिसे ग्रंथी साहिब कहा जाने लगा। ग्रंथी उसे कहते हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब जी का उस वक्त पाठ कर रहा होता है। तो सबसे पहले जो ग्रंथी बने उनका नाम था बाबा बुढ़ा जी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को पहले पोथी साहिब भी कहते थे और आदि ग्रंथ साहिब भी कहते थे। संगत जी, ये आदि ग्रंथ साहिब यानी श्री गुरु ग्रंथ साहिब कैसे बना, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। जब साहब श्री गुरु नानक साहब पहली पातशाही विश्व में गुरमुखों की खोज से निकले, तो उन्होंने बहुत से संतों भक्तों की वाणी को इकट्ठा किया और खुद भी बहुत सारी वाणी लिखी, और जितनी वाणी एकत्र हुई वह दूसरे पातशाही श्री गुरु अंगद साहब जी को दे दी। दूसरे गुरु ने उस वाणी को छोटे छोटे गुटका साहब तैयार करके संगतों में बांटे, ताजो वो उसे पढ़ सके, और खुद भी बहुत सारे श्लोक लिखे, और अंत अपनी वाणी और गुरु नानक जी की वाणी को तीसरे गुरु को सौंप दिया। तीसरे गुरु पातशाह श्री गुरु अमरदास जी ने भी दोनों गुरु साहिबान की वाणी और खुद की वाणी को जो उन्होंने लिखी, उसे चौथे गुरु साहिब श्री गुरु रामदास जी को दे दी। श्री गुरु रामदास जी ने भी पहले तीन गुरु साहिबान की वाणी और अपनी वाणी पांचवें गुरु को दी। इस तरह जब तक यह पूरी वाणी श्री गुरु अर्जन साहब जी के पास पहुंची, तब तक यह वाणी बहुत सारी हो चुकी थी। श्री गुरु अर्जन साहब जी ने पूरी वाणी को अलग अलग पोथियां रखने की बजाय एक ही जगह इसे रखने का मन बनाया, ताजो कोई इसमें मिलावट ना कर सके और जो चाहे इसे पढ़ सके, समझ सके। तो गुरु साहब गुरुद्वारा श्री रामसर साहब जा बिराजे और वहां पर भाई गुरदास जी और अन्य सिखों को साथ लेकर इस पूरी वाणी को तरतीब पर लिखने का फैसला किया। हर एक शब्द को राग के आधारित लिखा और 2 साल से भी ज्यादा समय लगाकर यह ग्रंथ साहिब को तैयार किया। यह पूरा कार्य 1604 में संपन्न हो। जिस दिन पहली बार श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश हुआ, उस दिन को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। लोग दूर दूर से इसे देखने के लिए आए। गुरुद्वारा रामसर से श्री दरबार साहब अमृतसर तक नगर कीर्तन के रूप में लोग साथ में चले। बाबा बुढ़ा जी ने गुरु ग्रंथ साहब जी को शीश पर उठाया था। श्री गुरु अर्जन साहब जी चवर कर रहे थे और पहले बार उस वक्त श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को अमृतसर में लाया गया और गुरु साहब को एक राजे की तरह एक सिंहासन पर बिठाया गया और गुरु अर्जन साहब जी ने संदेश दिया कि आप सब ने जैसे मेरा सत्कार किया है, उससे ज्यादा सत्कार इन्हें देना है। और बाबा बुड्ढा जी को कहा कि आप इन्हें खोलकर पढ़ना शुरू करें, यानी हुक्मनामा लें। तो पहला हुक्मनामा बाबा बुड्ढा जी ने गुरबानी में से लिया था, वो था संता के कार्य आप करो, हर काम कराओ आप। तो ये वो दिन था जिसे आज पूरी दुनिया पहला प्रकाश दिवस के रूप में मनाती है। ये दिन देसी महीने के अनुसार आता है, इसलिए अंग्रेजी महीने में इसकी तारीख कभी कोई आती है, कभी कोई आती है। सो, मैं आप सभी को इस दिन की एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और श्री गुरु अर्जन साहब जी का कोटान को धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने ये ग्रंथ साहब तैयार करके हमें दिया। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।